हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द ग्रीन स्टोरीज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लांट के बारे में जो कि काफ़ी खूबसूरत और अच्छा दिखने वाला प्लांट है और ये बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है। इस प्लांट का नाम है शतावर, शतावरी या एस्पेरिगस। इस पौधे में काफ़ी सारी शाखाएं होती हैं। देखने में तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है, लेकिन यह पेड़ एक कांटेदार पेड़ है। इसकी हर एक लताओं में आपको कांटे मिलेंगे। यह पेड़ 1 मीटर से 2 मीटर की ऊंचाई तक लंबा होता है। ये पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है, इसीलिए इसे आयुर्वेद की रानी भी माना जाता है। काफ़ी सारे फायदे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। औषधीय उपयोग में शतावरी की जड़ का उपयोग मुख्य रूप से ग्लैक्टोगोस के लिए किया जाता है। इसके अलावा वो काफ़ी चीज़ों में मददगार है, जैसे वजन घटाने के लिए, कैंसर में सहायक है, प्रेगनेंसी में मददगार है, मधुमेह यानी डायबिटीज़ में उपयोगी है, माइग्रेन में, हृदय स्वास्थ्य में लाभदायक है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को मजबूत करता है, खांसी बुखार के लिए, अनिद्रा में लाभदारी है। ऐसी काफ़ी सारी बीमारियों में ये काफ़ी मददगार है ये पौधा। ये प्लांट कटिंग से बहुत ही ईजिली लग जाता है। कहीं पर भी अगर आप इसकी कटिंग लगा देंगे तो बहुत ही ईजिली ये ग्रो कर जाएगा। और दूसरा ये तरीका है कि इसकी जड़ के पास आपको छोटे छोटे ट्यूबर्स मिलेंगे जो जड़ में ही होते हैं। इसको अगर आप निकाल के कहीं भी लगा देंगे तो वो ईजिली ग्रो कर जाएगा। ये प्लांट धूप में रहना ज़्यादा पसंद करता है, मीन्स सनलाइट इसे काफ़ी पसंद है। तो अगर ये प्लांट आप धूप में कहीं पर भी लगाएंगे जहाँ पे इसे प्रॉपर सनलाइट मिलती होगी तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अगर आप इसे पार्शियली शेड में जहाँ पे थोड़ी कम धूप आती है अगर वहाँ भी लगाएंगे तो ये पेड़ अच्छा निखर के आएगा। इसे ठंडी बिल्कुल नहीं पसंद, इसीलिए ठंडी के मौसम में इस पेड़ को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मीन्स ये ठंडी के मौसम में अधिकतर ऐसा होता है कि ये पेड़ मुरझा जाता है। इसलिए कोशिश करें कि इस पेड़ को प्लांट करें जहाँ पे प्रॉपर सनलाइट आती हो। इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, मतलब ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। अल्टरनेट डेज भी अगर आप इसे पानी देंगे तो चल जाएगा। इसकी सतह जो है मिट्टी है वो उसमें थोड़ी नमी रहे और वो प्लांट काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। ये प्लांट मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है क्योंकि ये प्लांट एक तो आयुर्वेदिक गुणों से भरा है, उसके साथ साथ ये प्लांट सजावट में बहुत काम आता है। मीन्स ये कहीं पर भी लगा होगा, अगर आपने इसको पॉट में लगाया है या आपने इसको घर में कहीं भी प्लांट किया हुआ है तो ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसको आप चाहें तो एक हैंगिंग बास्केट की तरह भी डेकोरेट कर सकते हैं घर में। इस प्लांट की बहुत ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके प्लांट ने एक बार जड़ पकड़ ली है तो ये अपने आप ग्रो करता जाएगा और काफ़ी खूबसूरत बनता जाएगा ये प्लांट। इस प्लांट की सबसे बड़ी खासियत है कि ये कहीं पर भी आपके घर के किसी भी पोर्शन में, गार्डन में, कहीं पर भी अगर ये है तो वहाँ की खूबसूरती ऑटोमेटिक इन्हांस हो जाती है। तो ये तो प्लांट बहुत खूबसूरत है, ऊपर से औषधीय गुणों से भरपूर है, इसलिए मुझे ये प्लांट बहुत पसंद है। और अगर हो सके तो आप भी अपने घर में ये प्लांट ज़रूर लगाएं। आई होप आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल द ग्रीन स्टोरीज़। थैंक यू सो मच।